गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए हमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ रही है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है या हमारे देश से कोरोना गया नहीं है, तो हमें अपने घर पर ही सुरक्षित रहना है और पढ़ाई को करना है। क्लास फोर्थ बुक का नाम है नंदनी। पाठ पढ़ेंगे हम फर्स्ट तिरंगा। पाठ का नाम क्या है? तिरंगा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से पहले तो ये उंगली रखोगे, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ोगे। पाठ का नाम तिरंगा। रचनाकार श्यामलाल पार्षद। क्या नाम है इसकी रचयिता? कौन है? श्यामलाल पार्षद। शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह कामना की गई है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा सदैव ऊंचा रहे तथा इसकी आन बान और शान के लिए हम अपना सर्वोच्च नौछावर करने के लिए सदा तैयार रहें। इसे प्रेम रूपी अमृत वर्षा करने वाला बताया गया है। किसको बताया गया है? तिरंगे को। किसको? तिरंगे को। इसके नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं। किसके नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं? तिरंगे के नीचे। तिरंगा यानी हम तीन रंग का झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें तीन रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ओके? तथा वीरों के अद्भुत जोश का संचार होता है। तथा वीरों में अद्भुत जोश का संचार होता है। किसको देखकर? तिरंगे झंडे को देखकर। चलो अब हम पढ़ेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हम 15 अगस्त 26 जनवरी को ये गीत गाते हैं। प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक नंदनी से ली गई है। इसके रचनाकार श्यामलाल पार्षद हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने तिरंगे झंडे का गौरव गान करते हुए इसकी विशेषताओं के बारे में बताया है। कवि कहना चाहता है कि यह तिरंगा झंडा संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला है। कौन सा झंडा? तिरंगा झंडा। यह ध्वज या झंडा सदैव ऊंचा रहे। यहाँ पर कवि तिरंगे झंडे को हमारे देश का गौरव प्रतीक मानते हुए कहते हैं, यह सदैव ऊंचा रहे जिससे हमारे देश का मान और सम्मान बढ़े। कवि तिरंगे झंडे का गौरव गान करते हुए कहते हैं कि यह झंडा हमेशा शक्ति प्रदान करने वाला है और प्रेम रूपी अमृत का संचार करने वाला है। यह ध्वज वीरों में आनंद पैदा करता है। यह हमारी मातृभूमि भारत माता का तन मन सर्वस्व है। हमारा यह झंडा सदैव ऊंचा रहे। इसमें तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचे रखने की बात कही है और इसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं हम लोग। फिर है आओ आओ प्यारे वीरों, आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ। आओ वीर, आओ प्यारे वीरों, आओ यानी वीर जवानों को पुकार रहे। देश धर्म पर बलि बलि जाओ यानी मर मिटने को तैयार हो जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा देश, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ इस प्रस्तुत पद में कवि ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति और रक्षा के आह्वान करते हुए अपने देश, अपने आप को बलिदान करने के लिए कहा गया है। किस पर? अपने देश के लिए। देश पर
हे वीरो आओ और हमारे देशभक्ति के धर्म पर बलिदान हो जाओ। आओ हम एक साथ मिलकर, यह भारत देश हमारा है और हमारा यह झंडा सदैव ऊंचा रहे। इसलिए बार बार कवि ये कहना चाहते हैं कि आओ वीरो आओ और देश पर बलि बलि जाओ, यानी मरण मिटने को तैयार हो जाओ। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर है, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे, सुरक्षित रहे, यह दृढ़ निश्चय। इस झंडे के नीचे नीचे निर्भय रहे, सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रस्तुत पद में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लक्ष्य हेतु अपने मार्ग पर अडिग रहने को कहा है। कवि कहते हैं, इस झंडे की छत्र छाया में हम सब बिना भय के रहते हैं। किसकी छत्र छाया में? इस तिरंगे झंडे की छत्र छाया में हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। और स्वतंत्रता सेनानियों से आग्रह करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति लक्ष्य के लिए निश्चय अपने अडिग रहे, यानी उस पर टिके हुए रहे। इस तरह कवि कहते हैं कि सब मिलकर बोलो भारत माता की जय। हम सभी का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह हमारा झंडा ऊंचा रहे, इसी के लिए हम हमेशा तत्पर रहे। यह हमारा झंडा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यानी यह हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहे और विजयी विश्व में विजय प्राप्त करे। और हमें अपने देश और अपने झंडे के लिए मर मिटने को तैयार रहना चाहिए। ये झंडा कभी नीचे झुकना नहीं चाहिए। ये झंडा हमारी आन बान शान है। इसलिए कवि इस तिरंगे के गुणगान गाता हुआ हमें ये सीख दे रहा है कि हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। अपना ये चैप्टर पूरा हो गया है बेटा। एक बार वापस कविता मैं आपको सुना देती हूँ। यही विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे, सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा रहे ऊंचा रहे हमारा। अब इसके शब्दार्थ देखोगे बेटा, विजय यानी जीतने वाला, शुदा यानी अमृत, निर्भय यानी निडर, शत्रु यानी दुश्मन। ये नंबर डाल के आप काम करोगे, ये तो कॉपी में डेट डालोगे 12, आज की तारीख डालोगे 12/7/21, फिर लिखोगे शब्दार्थ पार्ट एक, विजय वन नंबर, जीतने वाला सुधा अमृत, निर्भय निडर, शत्रु दुश्मन, तिरंगा यानी भारत का राष्ट्रीय झंडा जिसमें तीन रंग होते हैं इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं, प्यारा यानी शत्रु, प्रेम यानी प्रीति या स्नेह, दृढ़ यानी मजबूत, संकट यानी विपत्ति, हर्षाने वाला यानी प्रश्न करने वाला यानी खुश रखने वाला, प्रसन्न करने वाला, मातृभूमि यानी जन्मभूमि, निश्चय यानी इरादा, सुरक्षित यानी भली भांति रक्षित, बलि बलि जाओ यानी बलिदान करो। ये आपको कॉपी में करना है। उसके बाद में आपको लिखित सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ, ये आपको कॉपी में करना है ना। विजय विश्व सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। विजय विश्व तिरंगा शेर या हिरण क्या है? तिरंगा, तिरंगे पे राइट लगाओ। झंडे के नीचे खड़ा होना चाहिए, निर्भय होकर, भयभीत होकर या सावधान होकर? निर्भय होकर, निर्भय होकर। फिर ये करना है आपको, डेट लगाना आज की, और एक ये करना है आपको, सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय धर्म, इसको इससे मिलाना है, 1 2 3 4 ऐसे लिख दो। फिर इसको वन को इससे मिलाना है, वन को वन यहाँ से,
राष्ट्र धर्म यानी राष्ट्रवाद, सुरक्षित यानी अच्छी तरह रक्षित, शत्रु यानी दुश्मन, मातृभूमि यानी स्वदेश, ऐसे या नंबर भी डाल सकते हो आप जैसे आपकी इच्छा। ओके, ये दो क्वेश्चंस आपको कॉपी में करना है और एक भाषा व्याकरण में फर्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो, इस पे भी डेट डालना है आपको। भय, भय का निर्भय, जय का पराजय, नीचे ऊपर, योग्य अयोग्य, सुधा विष, देश परदेश या विदेश, मित्र यानी शत्रु, निश्चय यानी अनिश्चय। ओके, वापस देख लो, भय निर्भय, जय पराजय, नीचे ऊपर, योग्य अयोग्य, शुदा विष, देश विदेश या परदेश, मित्र शत्रु या निश्चय अनिश्चय। आपको तीन क्वेश्चन करने हैं प्लस शब्दार्थ भी करना है। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये और एक ये। ओके, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे, दूसरे दिन दूसरा काम ये। ओके,